नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज कानूबरी पे वन डे नॉन रेसिडेंटल ट्रेनिंग ऑन कंपोजिट फिश कल्चर एंड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग टेक्निक को लेकर आज ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम को आयोजित किया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर खुद मौजूद थे और दो रिसोर्स पर्सन थे। डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर खुद थे और दो रिसोर्स पर्सन आज के ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फिश फार्मिंग को लेकर ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें कल तक है तो बहुत सारे लोगों के पास जहाँ पे फिशरी है, फिश पॉन्ड है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि फिश पॉन्ड कितने साइज की होना चाहिए, ओरिजिनली ब्रेक कितने, लॉन्ग कितने, गहराई कितनी होनी है, पानी वाटर लेवल कितना होना है, फिश कब छोड़ा जाना चाहिए, फिश कौन से साइज के छोड़ा जाना चाहिए, कितने साइज के फिश छोड़ा जाना चाहिए, कितना साइज की फिश पॉन्ड में कितने मात्रा में फिश छोड़ा जाना चाहिए, ये सारा आज सिखाया गया है। और फिशरी डिपार्टमेंट में स्कीम को आप कैसे लाभ कर सकते हैं, सब्सिडी लाभ कैसे उठा सकते हैं, इन सब के ऊपर भी आज चर्चा किया है। और जितने भी मीटिंग में अटेंड हुए हैं उन सबको आज सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और जो लोग आज अटेंड नहीं हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको भी फिश फार्मिंग करनी चाहिए, आपके जगह आपके घर में आपका जगह है फिश पॉन्ड के लिए, आप अगर आपके पास जगह है, आपको फिश फार्मिंग करने में इंटरेस्ट है, तो आपको तुरंत लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से मिलना चाहिए, फिशरीज स्टाफ से मिलना चाहिए। सारा जानकारी वो आपको बताएंगे कि फिश पॉन्ड कौन से साइज होने चाहिए, फिश कितनी ढालनी चाहिए, कब ढालनी चाहिए, वाटर लेवल क्या होनी चाहिए, ये सारा आपको सिखाया जाएगा और आप लाभ उठा सकता है।
नमस्ते सर। नमस्ते सर, पिछले कल और आज दो दिन का जो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। सर कल आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये NFDB ने ऑर्गेनाइज किया, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नोटेशन रीजन गुवाहाटी से। तो इन 3 डेज का साइंटिफिक मेथड ऑफ फिश फार्मिंग ने 3 डेज का ट्रेनिंग रखा है, तो आज 1 डे ट्रेनिंग है आपका इसमें ये कंपोजिट फिश फार्मिंग के बारे में। तो कल हम लोग 16 को ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, 16 से लेके कल 18 कंप्लीट हो गया। तो उसमें हम लोग इस फार्मर्स लोग को किस तरह मछली पालन करना है और किस तरह उसका उत्पादन करना है, इन सभी बारे में हम लोग कल फिश फार्मर्स लोग को ये 3 दिन में हम लोग सिखाया है और थ्योरी भी कराया है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कराया है। तो उसके बाद हम लोग कल वैली विक्ट्री फंक्शन में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी आया और 3 डेज ट्रेनिंग का सभी जितने भी फार्मर्स यहाँ में अटेंड किया उन सभी को हमने सर्टिफिकेट भी इशू किया, 3 डेज ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी इशू किया। और मैं आशा करता हूँ जितना भी फिश फार्मर्स 3 डेज का ट्रेनिंग किया वो सभी उसमें हमारा फिशरी ऑफिसर भी अपना अपना आइडिया शेयरिंग किया है, हमने भी अपना आइडिया शेयरिंग किया है और NFDB से हमारा एक सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव NFDB आसिम सर बोल के भी वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और उसने शुरू में उसने अपना क्लास लिया, क्लास लेके वो उस कारण बस फ्री ऑक्यूपाइड था वो, इसीलिए वो चला गया, तो बाकी क्लास हम लोग ने लिया। सर ये आपका डिपार्टमेंट के अलावा कोई रिसोर्स पर्सन भी आया है क्या? हाँ रिसोर्स पर्सन आया था जी, NFDB अभी आपको बताया नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से आसिम बोरा बोल के और ये ऑफिसर इंचार्ज और सीनियर एग्जीक्यूटिव इन NFDB नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी का वो आया है और मेरा साथ ये कंसल्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट संयुक्ता मैम वो भी एज ए रिसोर्स पर्सन होके आया इस ट्रेनिंग में। तो जिस जो जो लोग अभी ट्रेनिंग में अटेंड हुआ है जिसको अभी सर्टिफिकेट इशू किया है क्या वही लोग ये अप्लाई कर पाएगा सब्सिडी फिश पोन के लिए या कोई भी कर सकता है सर, उसका प्रोसीजर क्या है? सब्सिडी तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये जो ट्रेनिंग दिया है एक जो मतलब इंडिविजुअल वो कल को अगर गवर्नमेंट स्कीम अप्लाई करता है तो जो इस ट्रेनिंग से उसको जो आइडिया जो नॉलेज मिला है वो उसको साइंटिफिकली वो अप्लाई कर सकता है कल्टिवेशन के लिए। और अभी सपोज किसी ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया तो वो किस तरह मछली को उत्पादन करना है, किस तरह कंस्ट्रक्शन करना है उसका आइडिया नहीं रहेगा जी जी। तो आज जिसको भी सर्टिफिकेट दिया है वो उसको ही मतलब प्रोविजन उसके लिए ही है बोल के नहीं, फार्मर्स तो बहुत है हमारे, तो जो भी अप्लाई करेगा हम अपना डिपार्टमेंट का हिसाब से देखेगा और जिस तरह का डिपार्टमेंट में फंड है उस मुताबिक और जो सिलेक्शन होगा जिसको सिलेक्शन आया वही इस फार्मर्स बनेगा। तो सर फीस पोन के लिए मैक्सिमम क्या साइज होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग का डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो पहले 0.1 हेक्टर करके देता था लेकिन अभी वो उसको हम लोग छोड़ दिया 0.1 हेक्टर करके दे रहा नहीं, अभी 0.5 करके एटलीस्ट एक बेनिफिशियरी एक फार्मर्स जो मिनिमम 5,000 स्क्वायर मीटर का ज़मीन होना पड़ेगा 0.5 हेक्टर, तो वो एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए दिया जाता है ताकि वो मछली उत्पादन करके सेल्फ सस्टेन हो, इकोनॉमिकली हो, उसका ग्रोथ हो, उसी बेसिस पे हम लोग देते हैं। तो मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 0.5 करके भी ले सकता है, 0.1 हेक्टर करके भी ले सकता है और जिसका ज़मीन है 0.2 तक भी ले सकता है। सर जो अभी जो स्कीम चल रहा है इसका क्या नाम था, अभी जो स्कीम चल रहा है
जो सब्सिडी ले सकते हैं इसमें प्रेजेंटली डिपार्टमेंट में PMMSY स्कीम चल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और एक है आत्मनिर्भर ANMPY, तो आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना। ये जो दो स्कीम है, एक जो PMMSY सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और आत्मनिर्भर जो ये है बजट अनाउंसमेंट का। सर ये प्रोग्राम जो है केवल कानोरी में हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या लॉन्गडिंग पंचायत वक्का कहीं पे होंगे सर? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम लोग कानोबारी सर्कल में ये ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। और उसके बाद आगे जाकर और हमें करना है वो हम लोग फिक्स कर लेगा उसको ना, और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से उन लोग की ट्रेनिंग प्रोग्राम का उन लोग नेशनल NFDP का तरफ से ट्रेनिंग ये कराते हैं, तो उनसे हम लोग लियाज करके कहाँ में करना है वो हम लोग बात में देते हैं। अच्छा लगा आज का मीटिंग, आज बहुत अच्छा लगा, तुमको कैसे लगा? ये हमको तो बहुत जानकारी मिला है, ये हम लोग का ये कानोबारी लॉन्गडिंग को जो होता है ना, जो बिजनेस फैसिली जो बैंक लोन दिया जाता है ना, उसको कोई कोई बोलता है क्या बोलता है, अरे हम लोग को तो 12 लाख तो वहाँ सेंक्शन किया है, हम लोग को 12 लाख तो नहीं दिया, तो आधार तो गवर्नमेंट खा दिया है, कोई कोई बोलते बैंक वाला खा दिया ना, तो ये आज पता चला, वही तो बता रहे हो ना, आज वो डिटेली वो लोग बता दिया है अब लोग का 40% और 60% ना जनरल के लिए तभी जाके 12 लाख में से आपको 60 या 70 मिलेगा, वो सब जानकारी जरूरी है मतलब हम लोग आदमी के लिए ना, नहीं तो मिसइंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाता है इसमें ना, कोई कोई बोलते बैंक वाला खा देता है, कोई कोई बोलता है ये नहीं गवर्नमेंट वाला जो वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है, ये बात ऐसे ही है बात। हम लोग का राजा साहब और आप लोग जो हर साल मछली नदियों पर आप लोग छोड़ते हैं, तो इसका क्या परिणाम मिला, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? ना अच्छा लगा है वो नदी, क्योंकि पहले हम लोग का ये बागान नागान हो गया था ना, तो उसका दवाई का वजह से हम लोग का वो मतलब नदी में बहुत मतलब मछली खत्म ही हो गया था। तो अभी हम लोग का ये राजा साहब है वो अभी 5-6 साल हो गया हम लोग मतलब 200-300 साल करके ऐसे छोड़ते जाते हैं मतलब सीजन में, तो उस बार इस बार देखा है तो हम लोग गाँव का आदमी लोग को मैंने चूना उना मार दिया गलती से, तो उसने बहुत मछली पकड़ा है, तब दिखाई देने मिला है वो जो हम लोग जो छोड़ा है नदी में, मतलब वो चीज़ तो अभी नदी में हुआ है मतलब है अभी मछली नदी में बोल के हम लोग को ये प्रूफ मिला है। तो रखना चाहिए ऐसे, कोई अगर कोई पैसा वाला बोट होता है कहीं कोई दारू पीने में कोई पार्टी में खर्चा नहीं करके आप लोग मतलब तो मछली को कहीं खरीदने का तो नदी में छोड़ दीजिए, अच्छा होना चाहिए अपना नदी में, वो अपना ही होगा दूसरा का नहीं होगा। वो कौन सा महीना में ढाला जाता है मछली? हम लोग को ये अप्रैल महीना के आखिरी या मिडिल पार्ट पे, वो जो हम लोग जब वो मछली वाला लोग जब लेके आता है ना मछली वाला वो लोग हम लोग का गांव में जब बिक्री करने आता है कोई गाड़ी में लेके आता है कोई बाइसाइकिल में डिक्ची में बांध के लेके आता है, तो हम लोग उनसे ले लेता है वो अपना फिशरी में आधा डाल देता है थोड़ा और आधा हम लोग नदी में डाल देते हैं। तो मछली को हम लोग कैसे पकड़ना है, कब कब पकड़ना है, कब कब खाना है? वो हम लोग का एक सीजन होता है हम लोग का गुटी ना लोकल वाला, हम लोग वांचो में रुका ही बोलता है, और हम लोग का ये कम्युनिटी फिशिंग अगस्त ऐसे को एक मिलेगा गुटी बोलता है, उससे हम लोग मतलब पूरा गांव मिलके तोड़ के मतलब उसको मारते हैं हम लोग गाँव में, साल में मतलब दो बार खाते हैं मतलब, एक तो सांसु ही बोलता है उसको मेजेंगा का गुटी, एक तो हम लोग रूका ही बोलता है बोला, उससे हम लोग दो बार दो पार्ट करके मारता है उसको हम लोग गर्म सीजन में एक विंटर में, आगे चूना नहीं देना है, चूना नहीं मारना है, बम नहीं मारना है, जनरेटर नहीं मारना है, ये बिल्कुल बंद है,